हेलो एवरीवन, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ईद मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से, और मेरी फैमिली की, जो मेरी छोटी सी फैमिली है उसकी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। तो अभी कुछ तैयारी कुछ भी नहीं की है, ना अभी मेहंदी लगी है, बस काम ही हो रहा था। अभी भी खाना बनाना बाकी है, फ़िलहाल सिर्फ कपड़ा वगैरह पहन लिया है, लेकिन अभी मेहंदी मैं सोच रही हूँ कि रात में लगाऊंगी, अभी नहीं, वरना दिन में अभी खाना बनाने के उसमें सेवैयाँ बनाने, वो तो बन चुकी है सेवैयाँ, खाना बनाने में हाथ फिर पानी में जाएगा और कलर उतर जाएगा। तो ये सोच के मैंने सोचा है कि रात में शाम के वक्त मेहंदी लगाऊंगी। और बच्चे भी अभी कुछ खास तैयार नहीं हुए, वो लोग भी अभी तैयार होंगे। कितना बज रहा है? 12:15 हो गए। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ कपड़ा और ये जो चूड़ी आपको बताई थी, चूड़ी वगैरह पहन के, पहन के नहीं बताई थी कल, ये झुमके तो पता नहीं मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, गोल्डन तो है पर डार्क है ये भी। तो मैं ये पहन के तैयार हो गई हूँ अभी मेहंदी लगाना, और मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, ऐसे ही मुँह लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो अभी फ़िलहाल तो इतना सा तैयार होकर मैं खाना, मैं ज़्यादा होती भी नहीं हूँ तैयार, मुझे पसंद नहीं है, तो ज़्यादा हो जाए तो उलझन लगती है। तो अभी जा रही हूँ जस्ट खाना बनाने, और उसके बाद में तैयार होकर मुझे फ़ोटो वीडियो वगैरह उतार के डालूँगा। ये तो मैं अपना व्लॉग चालू कर दी हूँ कि ईद का व्लॉग भी बना के डाल दूँ। तो इतना काम हुआ है, अब मैं लग रही हूँ खाना बनाने में, क्योंकि लेडीज़ की ज़िंदगी, औरत की ज़िंदगी तो यही है कि खाना ही बनाना है, नाश्ता खाना, यही सारा कुछ घर के काम। बहुत कुछ वक्त में गया थोड़ा तैयार हो लो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज ईद है इसलिए सबको मेरी तरफ से और मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और ये जो हीरोइनों वाले बाल मैंने खुले रखे थे, अब मुझे गर्मी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसकी भी आदत नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए मैंने खुले रखे थे, एक वीडियो ईद के लिए छोटा सा वीडियो बनाने के लिए, जो कि मैंने बना के अपलोड कर चुकी हूँ अपनी इंस्टाइल पे। तो बस, और ये ब्लॉग है तो आप सबको तो मैंने बोल दिया मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो अब जो ये है मेरा लुक, जो मैं हीरोइन बनी के रही हूँ, तो अब मुझे गर्मी का एहसास कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं किचन में आ गई हूँ और अभी खाना बनेगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको उठा के वापस बांध के पहले जैसी हो जाऊँ। बाकी तैयार होना और वीडियो बनाना, पिक्स निकालना, ये भी बाकी है, पहले घर का काम, उसके बाद फ्री टाइम में वो सारे काम, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। यही से लिए यहाँ बांधना हो, यहाँ बांध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाल पूरे चिपक गए थे मेरे, मतलब गर्मी लग रही है, चिपक गए थे बाल। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें होगी, वैसे भी टाइम पता नहीं, 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, 1 बज रहा है, अंदर से मैंने अंदर टाइम देखा नहीं है, और यहाँ भी मैंने नहीं देखा है। तो मैं बस लग रही हूँ खाना बनाने। तो जो मैंने सेवैयाँ तैयार की थी उसमें चीनी हो गई थी कम, तो अभी जस्ट मैंने चीनी मैंने जस्ट अभी डाली है इसमें, और घी मैंने बनाया हुआ है, तो चीनी इसमें कम हो गई थी, तो अभी मैं जस्ट डाल के चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि मीठी जरा भी नहीं लगी थी ये खाते टाइम। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये मीठी मुझे ज़रा भी नहीं लगी थी, तो मैं अभी चीनी में शक्कर यानी कि डालकर, तो अभी बाल सी लग रही नहीं लगी मेरे, तो चीनी डाल के मैं इसको भी चला दूँगी, ये मीठी होगी तो फिर मैं इसको लेके खाऊंगी। और आपको अभी से बुला ले रही हूँ, मतलब अभी मैं शिरकुरमा खाऊंगी, तो ये आप लोगों के लिए भी, आप भी आ जाओ मेरे साथ खाने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाते हुए भी वीडियो बना लूँ, क्योंकि हर बार मुझे ऐसे कपड़े पहने बहुत बोर होता है, कपड़े रखे रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता, पर आज ईद है तो आज पहन लिया। और बच्चे मुझे कहते रहते हैं कि मम्मी ये कपड़ा डालो, ये झुमके, ये एयरिंग डालो उसके साथ, हाथ का हाथों की चूड़ियाँ पहना करो, मगर मैं कभी उन वो बोलते हैं कि देखो यूट्यूब पर कितने तैयार होकर लोग आते हैं, मगर मैंने बोलते मुझे ऐसे आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। तो इंशाल्लाह, मतलब ऐसा है कि दिल खुश रहना चाहिए, तो सब ठीक है, तो मैंने बोला इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी।
तो आज ईद है तो ईद के दिन से ट्राई कर रही हूँ, अब देखो कितने दिन तक का मैं अपनी बातों पे कायम रह पाती हूँ कि हाँ मैं अच्छे से दिखाई दूंगी कैमरे पे। तो आ जाइए मेरे साथ छिटपुट बताने, ये मैंने काफ़ी जूड़ी पहन रखी थी तो उतर नहीं रही थी आपकी क्योंकि काफ़ी छोटी थी तो मैंने किसी तरह भी चढ़ा ली थी तो ये उतर नहीं रही थी, मुझे इधर आके किचन में उसको तोड़ के उतारना पड़ा जिससे उसकी कांच जो है वो टूटी और पूरी जगह फैल गई। तो अब मैं पैर में स्लीपर डाल के डर के मारे क्योंकि मुझे कांच के चुभे से बहुत डर लगता है तो मारे डर के मैं पैर में स्लीपर पहन के घूम रही हूँ और किचन के ओटे पे भी सामान कह सकती हूँ क्योंकि कांच क्योंकि मुझे बहुत चुकी है पहले बहुत चुभ चुकी है और मैं बहुत डर के कांच से वो पर्द सा काटा हो जाता है उससे मुझे डर लगता है उसकी भी देख रही मेरा। तो ये मैंने चावल गैस रख दिया मैंने, ये आस्ते आस्ते हो गई और हस्ती में वॉश करके लेती हूँ इसको और कभी भी रहती है हस्ती को वॉश कर लेने चाहिए अच्छा रहता है। तो कुछ काम मुझे रखी वगैरह नहीं होती, थोड़ा बहुत हमारे गैस का भी वो चल रहा है आगे पीछे इंशाल्लाह गैस भी नया लेना है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी एक बार नहीं लेनी है तो बस दुआ की दरख्वास्त दुआ करें। मैं आप लोगों मैं आप सब मेरी YouTube फैमिली के लिए दुआ करूँगी, आप प्लीज़ मुझे अपनी प्रेम में दुआ में याद रखिए और बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। और हाँ एक खास चीज़ जो मैंने कभी नहीं कही है मैं भूल जाती हूँ कि प्लीज़ अगर वैसे तो मेरे वीडियो इतने अच्छे नहीं होते, ऐसे वीडियो तो कई लोग बनाते हैं लेकिन प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल का नाम है हीरा पन्ना ब्लॉग तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपका दिल चाहे तो बस और मेरे साथ बने रहिए कहीं नहीं जाएगी ठीक है। नहीं खाने वाले दिन यानी रोजे थे जितने दिन वो दिन कल ख़त्म हुए और अब खाने वाले दिन आ गए के दिन में हम कोई भी टाइम खा सकते हैं तो मैं खा रही हूँ बल्कि पहले मैं डर गई थी पर एक बार ध्यान दे कर रोज़ा फिर बस याद आया इंसान को होता है ना रखते रखते आदत हो जाती है फिर बाद में इंसान रखते कर एक बार खाते टाइम सोचते रह गए अरे फिर याद आए वो ख़त्म हो गया। अब एनी टाइम यानी कि मुँह हम जला के रख सकते हैं मतलब मैंने ऐसा नहीं अभी ये मैंने बचा लिए थे तो मैं खा रही हूँ मैंने शिरफुरमा बना लिया उसने नहीं बचा तो बच्चों ने खाया और थोड़ा सा मुझे दे दिया ये पिस्ता और थोड़े बादाम भी रखे बस काम अंदर गर्मी हो रही हूँ आप यही खाने दो ही रह गए ले लीजिए फिर भी आप भी मेरे साथ खा रहे समझ लो लगाती हूँ मशीन पे मानी मैंने शाम में लगा दी तो फिर जी अब मैंने आपको ईद तबीयतें मना ली तैयार अपने नमाज वगैरह पढ़ ली ईद वगैरह मना ली है ये ईद का वीडियो अपलोड करना था तो फिलहाल ये बना लिए मैंने बाद में अपलोड कर दूँगी और मेरे बच्चों का वीडियो तो उनका तैयार होना बाकी है अभी तो कुछ काम चल रहा है उनका तो जब तैयार होंगे तो उनका भी वीडियो बना दूँगी। तो फिलहाल एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक अल्लाह हाफिज़।